यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पावरफुल भाजपाई चेहरे मनमर्जी काम न होते देख गालियों के खंडकाव्य लिखने पर उतारू हैं। बरेली में बहेड़ी सीट से भाजपा विधायक छत्रपाल गंगवार के करीबी विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार की एक लेखपाल के साथ फोन पर गाली गलौज का ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है कि चुनावी तैयारियों में जुटे भाजपाई रणनीतिकार इसे सुनकर माथा पीट लेंगे। नेताजी लेखपाल से कह रहे हैं कि बहुत पीटूंगा, दूर भिजवा दूंगा, तहसील में घुसने नहीं दूंगा और चमड़ी उधेड़ दूंगा और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला विधायक के करीबी सुरेश गंगवार ने लेखपाल से। लेखपाल भी कम गर्म खून का नहीं था, बैरियर तोड़ गालियों का जवाब उसने भी वैसे ही अंदाज में देकर नेताजी की अपनी तरह से पूरी व्याख्या कर डाली। गाली गलौज का ऑडियो एपिसोड एक नहीं बल्कि दो पार्ट में सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा नेता और लेखपाल के बीच बरेली में बैरियर तोड़ गाली गलौज से जुड़े ऑडियो की खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। बहेड़ी के भाजपा विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार और तहसील क्षेत्र के लेखपाल महेंद्र गंगवार के बीच गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वक्त में सुर्खियां बन रहा है जब बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा जिले के दौरे पर हैं। प्रदेश सह संगठन मंत्री करमबीर जी और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक भी आज बरेली आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दिन बाद भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बरेली प्रवास की तैयारी में हैं। आरएसएस और भाजपाई संस्कृति अपनी भाषाई गरिमा के लिए पहचानी जाती है, मगर बहेड़ी से सामने आ रहा विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार और लेखपाल महेंद्र गंगवार के बीच गाली गलौज का ऑडियो भाजपा परिवार की किरकिरी कराता दिखाई दे रहा है। ऑडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है और इसमें भाजपा के बहेड़ी विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार कथित रूप से अपने एक रिश्तेदार के काम की सिफारिश को लेकर लेखपाल महेंद्र गंगवार से पहले दबाव बना रहे हैं और फोन पर बात बढ़ने के बाद ऑडियो में दोनों ओर से जमकर गाली गलौज होती सुनी जा रही है। विधायक छत्रपाल के करीबी माने जाने वाले सुरेश गंगवार ऑडियो में यह कह रहे हैं कि 4 महीने बाद चुनाव है और हमें चुनाव जीतना है, तुम हमारे रिश्तेदारों के काम ही नहीं कर रहे तो कैसा माहौल बनेगा। आप खुद सुनिए पूरे ऑडियो की कहानी। आप महेंद्र हो जो महेंद्र है। और ये बिरादर है आप दोनों की, दिक्कत ना आना चाहिए हमसे। ये क्या बिरादर है आप दोनों की, दिक्कत क्यों आ रही है ना? दिक्कत तो ना आना चाहिए ना, वैसे आ रही है, आ रही है। बताओ फिर हमारे जो करण को हुए हम करेंगे। इन्हीं से बात करना महेंद्र पाल जी से। हाँ जी, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं भैया जी। रिश्तेदार तो आपके हैं, हमारे वो हैं रिश्तेदार, तो जब एक बिरादरी के हो तो नहीं है अपने तो। अच्छा, एक बिरादरी के हैं तो सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, और तो फूटो गाड़ देंगे अपने रिश्तेदार के। नहीं, फूटा क्यों गाड़ो? हाँ हम थोड़ी गाड़ेंगे, आप गाड़ोगे ना? ना हम क्यों गाड़ेंगे, कहाँ गाड़ो? चुनाव जीतना महेंद्र जी, चुनाव जीतना है, है? हमें चुनाव जीतना है। आप लोग कितना सहयोग कर रहे हो ना, उसको देखो, आप उसको देखो। अरे तो क्या हमारी मानसिकता क्या है कि हम चुनाव ना जीते? तो आप जानो, मैंने अपनी बात कह दी ना। मैंने अपनी बात कह दी आपसे। आप देखो जी, आप देखो, आप सबको समेट के चलो, सबको सहयोग करो, है भाई जी। जी, 4 महीना है चुनाव के। हाँ हाँ, 15 साल कहाँ कहाँ घूमे हमारे लोग। जी, चाहे लेखपाल हुआ, चाहे सेक्रेटरी हुआ, चाहे कोई और हुआ, सब 5 साल में इतना नहीं बोराना चाहिए हम लोग उनको ना, कि अपने आदमी को भूल जाए। बोलो, आप बोल रहे हैं? गलत कह रहा हूँ मैं ये बात?
ना आप कह रहे हो, वैसे हम लोग तो बहराए ना है। चलो आप इनसे बात करना कल ना, बात करा दो, अभी करा दो बात। ना मैं घर पर हूँ, मैंने घर ना बैठा हूँ, अपने घर पर हूँ। कोई गलती अगर वही हो तो भाई सुधार कर। मैं अपने घर बैठा हूँ, इनने फोन करा हमारे रिश्तेदार, हमने कभी इनको रिश्तेदार नहीं माना, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हमें तो भाजपा की मदद करनी है, सहयोग करनी है। अभी ने कहीं कीड़ा ही इनने फोन करा हमें। हमारे भतीजे थे, साढ़ू के पिताजी हैं जी, समझ रहे मेरी बात? अच्छा, अब आप क्या करना है, क्या ना करना है, आप जान और हम बात कर ही लेंगे भैया। महेंद्र जी, हम आपको कई बार कहे हैं जवाब, कई बार यहाँ की ना, यहाँ की ना सरदारों में हमने कही है। अब कह रहे हो क्या, सरदारों में आप ना रहे हो? रहे तो फिर क्या चाहता हूँ आप? अरे कोई बात तो बतावा, तुम्हारी बुद्धि सही ना है। आपकी बुद्धि ज्यादा सही है, आपकी बुद्धि सही ना है। क्यों? हाँ, अरे आपकी बुद्धि सही है, हमारी सही नाम तो बेकार है ना। तो फिर कल तहसील आओगे, बुद्धि पता लग जाए किसकी सही है किसकी खराब है। अरे यार दिमाग का मत करो भाई साहब, इतना मारूंगा ना तुम्हें कभी ये सही हो जाए। ए सिद्धी सुगर नालायक साधा। अरे कहाँ आओ महेंद्रपाल जी? जी बताओ, कहाँ पर हो आप? कौन बोल रहे? हम जो भी बोल रहे हैं, आप जो बदतमीजी कर रहे हैं हमसे, हैं भाई? हम बदतमीजी कर रहे हैं, आप ना कर रहे? तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है मेरी? आपके पास रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ तो पूरी बात की रिकॉर्डिंग होगी ना कि पूरी आप, पूरी आप, हाँ आप पूरी करता हूँ भाई साहब, पूरी करता हूँ मैं। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमें मारेंगे? किसने कहा? आपने। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है जब आती? हाँ हाँ, दिखाइए जरा, भेजियो। कल भेजेंगे हम। तुम कल बहेड़ी में तहसील में दिखाई ना दोगे? अरे भाई साहब, आंवला जाओ, आंवला महोदय, आंवला जाओ। हाँ तो आंवला भेज दो। कर रहे हो? अरे आंवला भेज दो, हम आंवला में नौकरी कर आए, जिले के बाहर भिजवा करे आयो, करे आयो, जूते खा के आयो, जूते खा के। फिर उल्टी बात कर रहे हो आप? क्या करो तुम मेरा? आपने तुम क्या करो मेरा? अरे आपने मारा जूता हमारे। तुम साले 200-200 रुपए लेते हो दलाली के, हमसे बात कर रहे हो तुम, है भाई? और तुम टुकड़ों पे पल रहे हो, हमसे बात कर रहे हो? तुम्हारे? अरे हमारे नहीं, किसी के। हमने कब किसके? हमने कब पैसा दिया है? इतना मारूंगा साले, कल कल बताऊंगा तुझे मैं, कल बताऊंगा तहसील आना तू। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।